इस थ्योरम के अंदर हमें जो चीज गिवन है वो इस तरह से है कि एक क्वाड्रिलेटरल है। क्वाड्रिलेटरल के अंदर हमें ये गिवन है कि उसकी अगर दो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं, तो हमने ये प्रूव करना है कि अगर इस चीज के साथ ऐसा हो जाए तो ये क्वाड्रिलेटरल जो होगी ये पैरेललोग्राम होगी। आइए थ्योरम की स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। इफ टू अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रुएंट एंड पैरेलल देन इट इज अ पैरेललोग्राम। यहां पर ड्रा करते हैं क्वाड्रिलेटरल। ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल और ये बात हमें गिवन है। जो पहली चीज गिवन है वो ये है ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी और जो दूसरी चीज हमें गिवन है इसके साथ ए बी इज पैरेलल टू डी सी। तो जो बात हमने टू प्रूव करनी है हमने इसको प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम होगी। अब जो इंटरेस्टिंग बात है इस थ्योरम में वो ये है कि आधी चीज हमको गिवन है और आधी चीज हमने प्रूव करनी है। जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं अगर मैं ये प्रूव कर दूं कि वो दोनों पैरेलल भी हैं और इक्वल भी हैं, समझ थ्योरम प्रूव हो गया। अब हमने करनी है कंस्ट्रक्शन। जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से है। कंस्ट्रक्शन हम ये करेंगे, हम इसको ज्वाइन कर देंगे और ये जो एंगल्स हैं उनको नाम देते हैं। ये बाहर वाला जो इधर वाला एंगल है एंगल वन, इधर वाला जो एंगल है एंगल टू, इधर वाला जो एंगल है इधर वाले को नाम देते हैं आप एंगल टू का, इसको कह दें थ्री और इसको कह दें फोर। हमने जस्ट नाम दे दिया एंगल्स को, ज्वाइन किया दो पॉइंट्स को। हम लिखेंगे Join B with D and name the angles angle 1, angle 2, angle 3, angle 4। हमने नाम दे दिए, ये हमने कंस्ट्रक्शन परफॉर्म कर ली। अब हम जाएंगे प्रूफ की तरफ। प्रूफ इधर है स्टेटमेंट्स और रीजंस। ट्रायंगल एबीडी हैज कॉरेस्पोंडेंस विद ट्रायंगल सीडीबी। ये देखिए किधर है एबीडी, ये रहा एबीडी, यानी कि जो लेफ्ट साइड वाला ट्रायंगल है उसको हम ले रहे हैं और उसके साथ कॉरेस्पोंडेंस कायम कर रहे हैं जो राइट हैंड साइड पर ट्रायंगल है यानी सी बी डी। अब करना यह है जो पहले स्टेट हम लिखेंगे ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू, ए बी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है डी सी के, ये हमें गिवन है। एंगल टू इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल वन, अल्टरनेट एंगल्स। वजह यह है ये दोनों साइड जो हैं ए बी ये पैरेलल है डी सी के और एक थर्ड लाइन को कट कर रही है, तो जाहिर सी बात है वन एंगल टू इक्वल होगा, थ्री एंगल फोर इक्वल होगा।
अच्छा बी डी को भी हम ले सकते हैं, बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी, ये दोनों में कॉमन है, दिस इंप्लाइज ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, साइड एंगल साइड पास्टुलेट, सो एंगल फोर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल थ्री, रिजल्ट नंबर वन कह दें इसको, और रीजन ये है इस बेस पे हम कह सकते हैं ए डी जो लाइन सेगमेंट है वो पैरेलल है बी सी के, बिकॉज एंगल फोर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल थ्री, ऑल्सो ए डी साइड जो है वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी के, ट्राइंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल सी डी बी, चूंकि दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट है लिहाजा उनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, बट ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इसको कह दें रिजल्ट नंबर टू, इसे कह दें थ्री और इसे कह दें फोर, ये गिवन में है ऐसा, एंड ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू डी सी, ये भी गिवन है। हमने प्रूव कर दिया कि जो रिमेनिंग दो साइड्स हैं, रिमेनिंग दो अपोजिट साइड्स हैं, वो पैरेलल भी हैं और कॉन्ग्रुएंट भी हैं। तो इस तरीके से ये प्रूव हो गया कि जो क्वाड्रिलेटरल गिवन क्वाड्रिलेटरल है ये पैरेललोग्राम है। थैंक यू।